आप हमको क्लास से रिमूव कर सकते हैं। तो प्लीज ये आप देखते रहिएगा कि जो स्टूडेंट्स एक्टिवली प्रेजेंट हैं उनको आप रहने दें, बाकी को आप रिमूव कर दें। मुझे ज्यादा लोगों के साथ डेमो सेशन नहीं करना, मुझे उन लोगों के साथ करना है जो आज इस कोर्स की इंपॉर्टेंस को समझ के आए हैं। जनाब, आप सबके सामने इस वक्त फेसबुक का ऑफिशियल ग्रुप ओपन है, लर्निंग विद अर्निंग का ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको तमाम तर स्किल्स के लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ब्रांड आइडेंटिटी, इंग्लिश स्पोकन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट कोर्सेज आपको हमसे सीखने को मिलेंगे बाय टॉप रेटेड पाकिस्तान एक्सपर्ट्स, जो पिछले 5 साल से पाकिस्तान के 350 से ज्यादा शहरों में हम बच्चा पढ़ा रहे हैं। आप सब ने अगर इस फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन कर दिया है या रिक्वेस्ट भेज दी है तो प्लीज मुझे यस लिखेंगे, सेकंड टाइम यस लिखेंगे अगर ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लिया। कोई फीस नहीं आपसे मांग रहे, सिर्फ आपको कह रहे हैं कि ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? अगर आपको सीखना है फ्री में, अगर आपको सीखना है पैसे देकर, अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग डिजिटल स्किल्स और फ्री लांसिंग, तो आपको यहाँ पर हेल्प मिल सकती है। जनाब, आज का डेमो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग इस वक्त लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर लाइव मौजूद हैं। आज के कोर्स का नाम सोशल मीडिया मार्केटिंग, आज के कोर्स का नाम है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप सबको एक सिनेरियो मैं बताऊं कि जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस COVID-19 की वजह से पूरे पाकिस्तान में 4 महीने के लिए जब लॉकडाउन लगा तो लोगों के कारोबार दुकानें बंद हो गई। जब कारोबार बंद हुआ तो लोगों के पास ना कस्टमर आया, ना लोगों की चीजें सेल हुई और लोग सड़क पर आ गए, लोगों ने कारोबार बंद कर दिया, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया। एम आई राइट और रॉन्ग? एग्री करेंगे? ये जो 4 महीने पिछले सबके गुजरे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये बड़ा टफ था हम सब पाकिस्तानियों के लिए। आपको तो अंदाजा नहीं होगा, आप पर नहीं गुजरी, उन लोगों से पूछिएगा जिनके कारोबार बंद हो गए, जो बड़ा बेहतरीन कमा रहे थे, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं था, वो वही सर्विस ऑनलाइन भी बेच सकते थे, क्योंकि उनको इलम नहीं था कि वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू भी अपनी ऑफलाइन दुकान को ऑनलाइन बना सकते हैं। इस वजह से वो बेचारे मार खा गए। अब वो तमाम तर लोग दोबारा से ये सोच रहे हैं कि अगर हुकूमत ने दोबारा लॉकडाउन लगा दिया या दुकानों का टाइम कम कर दिया तो कस्टमर कैसे आएगा, चीज हम कैसे बेचेंगे, सेल्स कैसे बढ़ाएंगे, पैसे कैसे कमाएंगे। तो अब सब ने ये सोच लिया कि यार इससे पहले कि दोबारा लॉकडाउन लगे, हम अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन कन्वर्ट कर दें, हम भी ई कॉमर्स करना स्टार्ट कर दें, हम भी सर्विसेज ऑनलाइन बेचना स्टार्ट कर दें। क्या ये हर बंदा, हर कारोबारी आदमी सोच रहा है? पाकिस्तान का हर आदमी सोच रहा है कि अब मेरा बिजनेस ऑनलाइन हो जाए। ये मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, जिसको आपने सर्विस देनी है, जिसको आपने अपनी स्किल्स को सेल करना है। एग्री और नॉट? क्या इस COVID-19 कोरोना वायरस की वजह से सोशल मीडिया मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ी या कम हुई? ये आप मुझे आंसर कर दीजिए। अगर इंपॉर्टेंस है, आपको लगता है कि वाकई लोग अब जा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं फेसबुक को, लोग वाकई अब इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, लोग वाकई यूट्यूब पे जा रहे हैं, तो फिर तो हमें डेमो सेशन भी लेना चाहिए और कोर्स को भी सीखना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो सीख के क्या करना है। मिस अनिला, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, आप बेशक इन 2 को रखिए, बाकी सबको रिमूव कर दें, नो वरीज। ठीक है, मतलब हम लाइक 30 मिनट्स आपके लिए निकाल कर आए, इसकी वैल्यू नहीं है। मैं आपको आगे क्या कुछ सिखाना है बेसिक लेवल, उसकी वर्थ आपको नहीं अंदाजा, मैं मुझे मालूम है, जब तक आप सीखेंगे नहीं आपको पता नहीं लगेगा। तो प्लीज थोड़ा सा एक्टिव होके रहिए ऑनलाइन क्लास में। हमें नहीं मालूम होता कि आप अलर्ट हैं कि नहीं, हमारी बातें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं। तो आज के कोर्स का नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बाय इमरान शेख। आपकी, आपके मेंटोर की पिक्चर आपको शो हो रही है यहाँ पे। सेल्स का कोर्स है ये, मार्केटिंग का कोर्स है ये, एडवर्टाइजमेंट का कोर्स है, ऑनलाइन सेल्स निकालने का कोर्स है, कस्टमर को ढूंढने का कोर्स है, चीज को ऑनलाइन बेचने का कोर्स है। तो हम इस कोर्स में आपको क्या सिखाएंगे कि हाउ टू बिल्ड 6 फिगर्स, 1 लाख रुपए की सेल्स आपने 1 महीने के अंदर, जो कि कोर्स का ड्यूरेशन है, आपके जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 1 से 1.5 महीना है और 6 महीने की आपको सपोर्ट
दी जाती है। आज का डेमो सेशन है जहां पे आपको ओवरव्यू और आउटलाइन हम बता रहे हैं। जब आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या सोच के हम सिखा रहे होते हैं, जो कि अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा अगला आधा घंटा, ये सोच के आपको सिखा रहे हैं कि अगर आपने कुछ बेचना है, अगर आपने कुछ बेचना है, अगर आपने कुछ सेल करना है, तो आप 1 लाख रुपए की सेल LW ने, इमरान साहब ने नहीं आपको निकाल कर देनी, आपने खुद निकालनी है और हमने आपको प्रैक्टिकल करवाना है कि आप वो काम कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। ऑल ऑफ यू क्लियर? क्या हमने वेबसाइट बनाना सीखनी है इस कोर्स में? क्या हमने डिजाइन बनाना सीखनी है इस कोर्स में? क्या हमने वीडियो बनाना सीखनी है मार्केटिंग के कोर्स में? क्या हमने कोई आर्टिकल लिखना सीखना है इस कोर्स में? नहीं, हमने क्या करना सीखना है? ऑल ऑफ यू टाइप हाउ टू सेल, सब लिखेंगे एक दफा हाउ टू सेल। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब कंघा बेचना है, जूता बेचना है, घर बेचना है, गाड़ी बेचनी है, कुछ भी बेचना है, तो आपको एक चीज सिर्फ सीखनी पड़ेगी। पैसे नहीं चाहिए आपको, इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए आपको, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, सिर्फ हाउ टू सेल के बेचना कैसे है। फिर आप कुछ भी बेच लेंगे, कहीं भी बेच लेंगे, कभी भी बेच लेंगे। आप नहीं बेच रहे तो इसका क्या मतलब कि लोग नहीं बेच रहे? पूरी दुनिया इस वक्त मार्केटिंग कर रही है, पूरी दुनिया इस वक्त ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। क्या तमाम तर कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस नहीं ऑफर कर रहे? सारे इंस्टीट्यूट अब ऑनलाइन आ गए, सारे सॉफ्टवेयर हाउस अब ऑनलाइन आ गए, सारे डिपार्टमेंटल स्टोर अब ऑनलाइन आ गए, सारे लाइक शॉपिंग स्टोर अब ऑनलाइन आ गए। एम आई राइट? इंपॉर्टेंस आप देखिए ना, ये इतनी डिमांड है कि हर कारोबारी आदमी को आपकी जरूरत है। आपने सिर्फ ये स्किल सीखना है, आपने सिर्फ ये स्किल सीखना है हाउ टू सेल का। जनाब व्हाट यू विल लर्न, क्या सीखेंगे हम इस कोर्स में? ग्रो अ बिजनेस ऑनलाइन फ्रॉम स्क्रैच। मुझे अब आप सबसे 2 सवाल करने हैं और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर जरूर दीजिएगा, उसके ऊपर मैं आपका डेमोस्ट्रेशन आगे लेकर चलूंगा कि मुझे आइडिया हो कि आप क्या करने के लिए आए हैं। वो कहा जाता है कि दुनिया का बेस्ट मिसाइल किसी काम का नहीं अगर उसकी डायरेक्शन नहीं, दुनिया का बेस्ट मिसाइल किसी काम का नहीं अगर उसकी डायरेक्शन नहीं। मतलब हम पाकिस्तानी यूथ को यही नहीं मालूम हमने जाना कहाँ पे है, लेकिन हम रास्ता जरूर चूज कर लेते हैं। आपको एंड गोल पता होना चाहिए कि पैसे तो कमाने हैं लेकिन किस वे से कमाने हैं। ऑनलाइन तो कमाना है, कौन सा स्किल सीख कर कमाना है? एम आई राइट और रॉन्ग? ये आपको पहले पेपर पे वर्क करना पड़ता है। आपको डेमो सेशन भी नहीं चाहिए, ना आपको कोई पेड कोर्स चाहिए, आपको पहले अपनी वर्किंग करनी है कि आपको स्किल कौन सा सीखना है। वो स्किल सीख तो लिया, वो सीख के अप्लाई, मतलब पैसे कमाने कैसे हैं? पैसे तो सपोज करो मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं मेरे बैंक में, मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके कमाऊंगा, मैं कोई शॉप खोल के कमाऊंगा, मैं क्या काम करके पैसे कमाऊंगा? तो आप सब ने जो मार्केटिंग का कोर्स सिलेक्ट किया है, कुछ है बेचने के लिए आपके पास? क्या आप बिजनेस के ऑनर हैं? क्या आप कोई ऑफलाइन कोई दुकान चला रहे हैं और उसको ऑनलाइन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का स्किल सीख के लोगों को सर्विसेज देना चाह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट की? इन दोनों में से एक फील्ड आप सब चूज कर लेंगे। अपना गोल सेट कर लो जी डेमो सेशन में कि करना क्या, फिर आगे हम अभी चलते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस करना है या सर्विसेज बेस्ड काम करना है। मिस अनिला देखते रहिएगा कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू टाइप, भी आपने दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन क्या कि कोई ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस करना है, या फिर आप चले जाइए जब आपको अपनी प्रायोरिटीज ही नहीं पता, तरजीहात ही नहीं पता, सर्विसेज बेस्ड काम करना है या कुछ ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बनाकर काम, लोगों को चीजें कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू जैसे दराज काम करता है वैसे करना है, या मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का सिर्फ स्किल सीख के लोगों को सर्विसेज देनी है वर्क फ्रॉम होम घर से बैठ के। तो मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा कि आपने सिर्फ स्किल सीखना है, आपने सिर्फ सर्विसेज सीखनी है। आपके पास अगर अपना कोई कारोबार है और आप उसको ऑनलाइन करने जा रहे हैं वो तो वेल एंड गुड है, बट अगर आपके पास कोई कारोबार नहीं है, कोई चीज नहीं है बेचने के लिए, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। आपने सिर्फ स्किल सीख के प्रॉपर्टी डीलर्स को आपने पिच करना है, ब्यूटी सैलून्स को आपने पिच करना है, आपने लाइक एजुकेशन एकेडमिक को आपने पिच करना है, आप फास्ट फूड होटल्स को अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, आप शोरूम्स को अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो एक डिमांड है, मैं आप सबके सामने कोई प्लेटफॉर्म ओपन करने जा रहा हूँ बारी बारी, जबकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने सीखना क्या और किस लेवल पे सीखना है।
ये इतना इम्पोर्टेंट स्किल है जी, आप जहां से भी सीखिए लेकिन इस स्किल को जरूर सीखें। आप सबके सामने मैंने फूड पांडा ओपन किया है जी, पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। दराज मैंने ओपन किया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। साथ मैंने पाक व्हील ओपन कर लिया, ये भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और साथ मैंने जमीन डॉट कॉम, जरा देखिएगा कि लोग कैसे बेचते हैं और हमें कैसे बेचना चाहिए और आप क्या कुछ कर सकते हैं इस स्किल को सीख के। ये आप यूट्यूब से भी फ्री में सीख सकती हैं, लाजमी नहीं कि हमारे कोर्स में आके सीखें। सीखें, लर्निंग हमेशा फ्री होती है, लर्निंग ऑलवेज फ्री। ना पैसे देकर कोई पढ़ाता है ना, मतलब आप ये देखिए ना कि आपने फीस दिया 1,000 रुपीज, क्या वो 1,000 रुपया दे के आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं कि मुझे पढ़ना है? आप एक दो सेशन के बाद आएंगे ही नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुनते रहेंगे। समझ आ रही है? शौक होगा तो लाइव आओगे। अब हमें जो मेंटोर है पढ़ाने वाला, वो फीस के अगेंस्ट नहीं पढ़ा सकता, उसमें जब तक पैशन नहीं होगा। तो लर्निंग ऑलवेज फ्री। आपके सामने फूड पांडा मैंने ओपन किया है। फूड पांडा पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो कि खाने पीने की सर्विस दे रहा है आपके डोर स्टेप पर। फूड पांडा कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है, कैसे फूड पांडा होटल एंड रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड होटल्स की मार्केटिंग कर रहा है, आपको एग्जैक्ट फूड पांडा की तरह हम चीजों को ऑपरेट करना सिखाएंगे। कि अगर आपको रेस्टोरेंट की मार्केटिंग मिल जाए, अगर आपको फास्ट फूड होटल्स की मार्केटिंग मिल जाए, अगर आपको होटल की मार्केटिंग मिल जाए, तो कैसे करनी है आपको सिखाया जाएगा। जमीन डॉट कॉम, अगर आपको घर चाहिए, जायदाद चाहिए, प्लाजा चाहिए, जमीन चाहिए, फ्लैट चाहिए, रेंट पे चाहिए, परचेज करना है, तो आप जमीन डॉट कॉम से हेल्प लेते हैं। तो अब जमीन डॉट कॉम कैसे प्रॉपर्टी को बेचता है, जमीन डॉट कॉम कैसे रियल एस्टेट का क्लाइंट सोशल मीडिया से ढूंढ के लेके आता है, आपको जमीन डॉट कॉम से बेहतर एडवर्टाइजमेंट सिखाएंगे। अब आप कर लें, उसको परफॉर्म कर लें, तो वो एक अलग बात है। दराज पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अब दराज में कंघी बेचनी है, दराज में जूता बेचना है, दराज में एसी बेचना है, बाइक बेचनी है, गाड़ी बेचनी है, एक्सेसरीज बेचनी है, गैजेट्स बेचनी है, तो दराज कैसे बेचता है, किस किस्म के लोगों को इश्तिहार दिखाता है, डिजाइन कैसे बनाता है, क्या लिखता है, तो हम डिटेल में दराज को भी फॉलो करेंगे। पाक व्हील्स आखिरी प्लेटफॉर्म जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा है, गाड़ियों का पोर्टल है। कि आपको गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए या स्पेयर पार्ट्स चाहिए, आप देखते होंगे कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी गाड़ियों के शोरूम है वहां पे पाक व्हील्स का आपको नाम और लोगो मिलता है। पाक व्हील्स कैसे सोशल मीडिया की हेल्प से अपनी मार्केटिंग को बेहतर कर रहा है, हम पाक व्हील्स की तरह भी मार्केटिंग करना सीखेंगे। कि अगर आपको शोरूम्स की, जो गाड़ियों के जो शोरूम्स होते हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ जाए, तो आप कैसे करेंगे। जनाब ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, आप सब प्रेजेंट हैं तो यस लिखेंगे। मैं इस वक्त आउटलाइन पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, मुझे 10 मिनट लगेंगे आउटलाइन को एक्सप्लेन करने में। ये 10 फेजेस के ऊपर है, 10 फेजेस हैं जो कि 1.5 महीने में मुझे सिखाना है आपको। ये मैं अलग दिन का चराग मेरे पास या जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको 30 मिनट्स में एक्सपर्ट करके भेजूँ। मुझे आपका इंटरेस्ट डेवलप करना है, आपको अवेयर करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है। आखिरी फैसला आपका है, आप आज ये स्किल नहीं सीखेंगे मार्केटिंग का, आगे जाके आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मार्केटिंग और सेल वाहिद ऐसा स्किल है जो आपके सर्वाइवल का बायस बनता है। एम आई राइट और रॉन्ग? कि अगर एक बंदे को चीज बेचना आ गई, एक बंदे में मार्केटिंग के स्किल्स डेवलप हो गए, तो वो बेरोजगार नहीं बैठ सकता जी, वो बेरोजगार नहीं बैठ सकता। उसको काम कहीं ना कहीं से आता रहेगा, काम खुद उसको ढूंढेगा। जनाब अब इमरान साहब परेशान है, इमरान साहब के ऑफिस में आप में से कोई आता है स्टूडेंट, कहता है सर हम, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का आपका स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता लगा कि आपके पास बच्चे नहीं आ रहे, एडमिशन्स नहीं हो रहे, आपके कोर्सेज नहीं बिक रहे, तो मैं आपकी एकेडमी की ऑनलाइन मार्केटिंग करता हूँ। आप फाइनेंशियली अपसेट हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, तो मैं आपके कारोबार में आपकी हेल्प ये करता हूँ कि मैं आपको 500 बच्चा हर महीने इनरोल करवा कर दूंगा, तो क्या मैं आपको हायर करूंगा कि नहीं करूंगा? मेरा तो कारोबार नहीं चल रहा, मेरी तो अकेडमी बंद होगी। एक मिनट के लिए सोच ली, आप मेरे पास फरिश्ता मसीहा बनकर आए क्या कि सर मेरे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग का स्किल है, मैं आपकी एडवर्टाइजमेंट करूंगा, मैं आपकी मार्केटिंग करूंगा, तो मैं आपको 5,000 या 10,000 पे हायर नहीं करूंगा, मैं आपको अच्छी सैलरी पे हायर करूंगा, 30, 35, 40, 50,000 पे। क्यों? क्योंकि आप मुझे 10 लाख रुपए का
कारोबार भी निकाल कर दे रहे हैं। आप मुझे पैसे कमा के देंगे तो ही मैं आपको पैसे दूंगा ना, वरना तो एक महीने के बाद मैं आपको फर्क कर दूंगा। एम आई राइट? तो ये जो कोर्स है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपने लिए सीखो या किसी क्लाइंट को सर्विस दो, ये हाईली पेइंग जॉब है, ठीक है, लेकिन जो स्किल है ये बड़ा आसान स्किल है, बड़ी आसानी से इसको सीख सकते हैं। थर्ड, आप सब में से बहुत सारे लोगों को शौक होगा कि हम दराज की तरह एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बना लें, हम दराज की तरह एक ई कॉमर्स स्टोर बनाएं, हम भी कोई फेसबुक का पेज या इंस्टाग्राम का पेज बनाकर चीजें बेचें। कितने लोगों का ये विश है, ड्रीम है कि उनका एक शॉपिंग स्टोर हो। अगर मेरे से आप पूछें तो मेरी ये ड्रीम है कि मेरा एक साइड बिजनेस हो, एक ऑनलाइन स्टोर मेरा चल रहा हो जहां से मुझे महीने का 1-1.5 लाख रुपए आ रहा हो। तो ये हर बंदा सोचता तो है कि यार जैसे बाकी लोग काम कर रहे हैं मुझे भी करना चाहिए, मैं क्यों नहीं कर रहा। तो यार आप लोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको पैसे चाहिए, लाखों रुपए चाहिए। दराज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको लाखों रुपए चाहिए वो चीज परचेज करने के लिए, फिर आपको उतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, फिर आपको एक्सपोजर चाहिए, समझ आई। तो आप ना इन्वेस्टमेंट करें ना आप कोई अपनी जेब से पैसा खर्च करें, आप सिर्फ एक काम कर लें, कौन सा, ऑल ऑफ टाइप हाउ टू सेल। आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर लें सेलिंग का, उसके बाद पार्टनरशिप कर लें एग्रीमेंट की सूरत में उस बंदे के साथ जिसके पास पैसा भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, चीजें भी हैं बेचने के लिए, और आप उसको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो आपको अपना सामान दे रहा है और आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्लियर? तो मेक मनी एज एन एफिलिएट मार्केटर, कि अगर हमने ई कॉमर्स का काम करना है, हमने शॉपिंग स्टोर चलाना, तो हमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, हमें क्लाइंट का पैसा लगवाना है, हमें क्लाइंट के पैसे से एडवर्टाइजमेंट करनी है, हमें सिर्फ अपने स्किल्स को यूटिलाइज करना है उस चीज को बेचने के लिए। आखिरी, वर्क फ्रॉम होम एज अ फ्रीलांस मार्केटर। जनाब कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं? तो यस लिख दें, अभी आउटलाइन तो अब शुरू हुई है जी, अगर जाना है आप चले जाइए, ये मार्केटिंग का कोर्स है, ये सेल्स का कोर्स है, ये आपकी लाइफ चेंज करने वाला कोर्स है, ये आपको इग्नोर नहीं कर सकते। आप इसको अवॉइड आज कर देंगे ना, 2 महीने बाद आपको याद आएगा, काश हम 2 महीने पहले सीख लेते तो आज किसी ना किसी किनारे लगे होते। तो आज आप जो इंटरेस्ट शो नहीं करवा रहे, जो हमने आपके लिए फ्री में डेमोस्ट्रेशन अरेंज कर लिया, वो आगे जाके उसकी इंपॉर्टेंस का पता लगेगा। वेल, फेज वन, इस कोर्स के 10 फेजेस हैं जी। फेज नंबर 1 में सोशल मीडिया मार्केटिंग के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं आपको बताएंगे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, मतलब के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन एटसेट्रा, सोशल मीडिया के रिसर्च क्या कहती है आपको सिखाएंगे, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं एडवर्टाइजमेंट के और मार्केटिंग के, वो कौन कौन से सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, सोशल मीडिया डिजाइनिंग कैसे हो, जो दिखता है वही बिकता है, कितने लोग इस बात को मानते हैं, चैट पे लिखेंगे, जो दिखता है वो बिकता है, कितने लोग इस बात को सही मानते हैं, इस लाइन को सही मानते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, एनीवन एग्री और नॉट। तो आप ये सोचो कि आप किसी भी पाकिस्तान के बड़े ब्रांड पर गए शॉपिंग करने के लिए, कपड़े लेने के लिए अपने सर्दियों के, आप आउटफिटर्स पे चले गए, जुनेद जमशेद पे चले गए, आप खाडी पे चले गए, आप एडिडास पे चले गए, नाइकी पे चले गए, डाइनर्स पे चले गए, कैम्ब्रिज पे चले गए, टॉप लेवल ब्रांड्स पे चले। आप जब वहां पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको जो कस्टमर है, जो अब जब वो उस दुकान के अंदर जाता है, जब उस प्लाजे या आउटलेट में जाता है, तो उसको लोग बड़े जबरदस्त मिलते हैं जो उसको वेलकम करते हैं, उसको फर्नीचर लाइट्स बड़ी अपील करती हैं वहां की, उसको वहां का जो स्टफ है, जो क्वालिटी है, वो बहुत इंस्पायर करती है, उसके बाद जो लोकेशन है उस शॉप की वो बड़ी हमें इंप्रेस करती है, और फिर हमारा दिल करता है कि हम वहां से प्राउडली बाय करें, हमारा दिल करता है कि हमें फीलिंग्स ऐसी आती हैं कि वी फील प्राउड टू परचेज फ्रॉम एनी बिग ब्रांड, क्योंकि हमारे पास पैसे भी हैं, हम अमीर भी हैं, तो हम क्यों छोटी दुकान पे रुकें, हम बड़ी दुकान पे रुकेंगे। एक मिनट, हम क्यों छोटी दुकान पे रुकें, हमारे पास तो पैसे हैं, हमें चाहिए फीलिंग, हमें चाहिए प्रोटोकॉल, हमें चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट, कस्टमर की बात कर रहा हूं। तो अब हमारी तो दुकान ऑफलाइन है ही नहीं, हमारा स्टोर कहां पर है, ऑल ऑफ यू टाइप, हमारी दुकान कहां पर है, ऑल ऑफ यू टाइप, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर है। अब कस्टमर को कैसे इंप्रेस करें, अब कस्टमर को कैसे वो फीलिंग्स ट्रांसफर करें कि वो परचेज कर ले, सवाल है कि नहीं, कस्टमर को कैसे हम इंप्रेस करें,
कस्टमर को हमें टेक्स्ट लिखकर इंप्रेस करना होगा, कस्टमर को हमें इश्तेहार बनाकर इंप्रेस करना होगा. मींस मैं एक होटल चला रहा हूँ, मेरे होटल का खाना अच्छा है, मेरे होटल का खाना सस्ता है, मेरे होटल का खाना हाइजीन है, तो ये मुझे पता है, मेरे कस्टमर को नहीं पता जी, ये मुझे पता है. मेरे कस्टमर को कैसे पता लगेगा, जब मैं उसको अपना मैसेज कम्युनिकेट करूंगा, जब मैं उसको अपना मैसेज कम्युनिकेट करूंगा. ऑल ऑफ यू क्लियर जी? तो हमें इश्तेहार बनाने सीखने हैं, हमें डिजाइन बनाना सीखना है, हमें कंप्लीट डिजाइनिंग सीखनी है एक लेक्चर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर काम कर सकें. ये मैं आपको canva.com में सिखाऊंगा, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सब एडोबे फोटोशॉप सीखें, उसामा नईम साहब से ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीखें. अगर आपको डिजाइनिंग नहीं आती तो क्या हम मार्केटिंग कर सकते हैं? जरा खुद ही से सवाल कर लें कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, आपको इश्तेहार पोस्टर बनाना नहीं आता, तो क्या आप उसको बेच सकते हो? कैसे बेचोगे? लिखना नहीं आता, आपको दिखाना नहीं आता, बेचने के स्किल किस काम की? बेचने के स्किल किस काम की? किसी काम की नहीं. तो पहले डिजाइनिंग सीखनी है प्लीज, ओके? कि अपने मैसेज को अगले तक पहुंचाना भी है हमने. ऑल ऑफ यू क्लियर? फेज टू सोशल कैंपेन, कि कैसे हमने किसी भी कैंपेन को लॉन्च करना है ऑनलाइन बेचने के लिए, कैसे हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखनी है, कैसे हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट सीखनी है, कैसे हमने सोशल इन्फ्लुएंस मार्केटिंग सीखनी है, कैसे हमने अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस करना है कि कौन क्या बेच रहा है, किस प्राइस पर बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, कितना बेच रहा है, कब कब बेच रहे. सोशल मीडिया के मार्केटिंग टूल्स आपको चाहिए. डिजाइनिंग के अलग टूल्स हैं, एडवर्टाइजमेंट के अलग टूल्स हैं, एनालिटिक्स के अलग टूल्स हैं, और रिस्पॉन्स को मैनेज करने के अलग टूल्स हैं. बगैर हथियार के आप जंग नहीं कर सकते ऑनलाइन. आपको फेसबुक इंस्टाग्राम के अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट्स पर भी अकाउंट बनाने हैं जहां पर आपको टूल्स को ऑपरेट करते हुए अपनी मार्केटिंग को मजीद बेहतर करना है, तो वो भी हमने सिखाना है. आपको अपनी मॉनिटरिंग करनी है एसेट्स की, लाइक फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तो वो आपका एसेट है. एसेट से क्या मुराद? असासा. फेसबुक का पेज आपका हैक हो गया, इंस्टाग्राम का अकाउंट आपका हैक हो गया, तो वो पेज जो महीने का 1.5 लाख रुपया कमा के दे रहा था हमें, वो तो हैक हो गया. वो हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी ना. तो कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को हम सीखेंगे. अब सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में क्या सीखना है? सिर्फ फेसबुक नहीं सीखना. फेसबुक तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग का सोशल मीडिया में. फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम भी सीखना है, इंस्टाग्राम के साथ ट्विटर भी सीखना है, और लिंक्डइन भी सीखना है. ये चार बड़े प्लेटफॉर्म हैं जहां पर पेड मार्केटिंग, लाइक जहां पर आप पैसे देकर एडवर्टाइजमेंट करवा रहे होते हैं, और फ्री एडवर्टाइजमेंट, दोनों हमने सीखनी है जनाब. हाउ टू लॉन्च योर ब्रांड ऑन फेसबुक. सो लेट्स लॉन्च योर ब्रांड ऑन फेसबुक. पाकिस्तानियों का सबसे कॉमन मसला है स्टूडेंट्स को कि हम ऑनलाइन भी सीखते हैं, ऑफलाइन भी, हम फ्री में भी सीखते हैं, पैसे देकर भी सीखते हैं, बट जब बारी आती है पैसे कमाने की, जब बारी आती है कारोबार शुरू करने की, जब बारी आती है अपने ब्रांड को लॉन्च करने की, तो हम लोग फेल हो जाते हैं. एम आई राइट? जब प्रैक्टिकल की बारी आती, मीन जब प्रैक्टिकल लाइफ की बारी आती है, चलो सीख तो लिया हर जगह से, यूट्यूब से बड़ी तो यूनिवर्सिटी है ही नहीं ना कोई. YouTube से सीख लिया फ्री में, आप कुछ भी लिखें, आप हमसे बेहतर वहां पे सीख लेंगे, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे आपको, आप पैसे नहीं कमा पा रहे, क्योंकि आप अप्लाई करते हैं रिजल्ट्स नहीं मिलते, आप एफर्ट्स करते हैं आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते. क्या ऐसा होता है तमाम तर लोगों के साथ जब आप कुछ सीखते हैं पहली दफा कहीं से? वो इसलिए होता है कि हम साथ साथ टास्क नहीं करते, हम साथ साथ असाइनमेंट्स नहीं करते, हम साथ का काम साथ साथ नहीं करते, वो इशू इसलिए होता है. तो हमने आपको सिखाना है कि कैसे आपको अपने ब्रांड को लॉन्च करना है फेसबुक पे प्रैक्टिकली, कैसे आपने उसकी रिसर्च करनी है, कैसे आपने कंटेंट जनरेट करना है सोशलाइजिंग के लिए, कैसे आपने फेसबुक की कैंपेन्स बनानी है, कैसे आपने वीकली सोशल कैलेंडर एंड प्लानर, के हम हर हफ्ते क्या पोस्ट करें पेज पर इंस्टाग्राम पे, हर महीने क्या करें, हर साल क्या करें, पोस्ट के आइडियाज, पहला प्रमोशनल स्पॉन्सर्ड एड. ये असल जो चीज है इस कोर्स में वो है स्पॉन्सर्ड एड, कि आपने पेड एडवर्टाइजमेंट बेसिकली सीखनी है प्रोफेशनल लेवल के ऊपर. मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये एक स्पॉन्सर्ड एड चल रहा है फेसबुक के ऊपर ManyChat कंपनी का. स्पॉन्सर्ड एड मीन ManyChat ने फेसबुक को पैसे दिए हैं कि तुम मेरा इश्तिहार रन करो,
ओके तो कैसे आपने स्पॉन्सर्ड एड्स रन करनी है, वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक लाइक्स की कैंपेन चलानी है, इनबॉक्स में मैसेजेस चाहिए, व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स चाहिए, आपको कॉल पे रिस्पॉन्स चाहिए, आपका कोई ऑफलाइन आउटलेट है, कोई दुकान है या कुछ भी है, वहां पर आप कस्टमर्स जा रहे हैं, आपकी वेबसाइट है, आप वहां पर कस्टमर्स जा रहे हैं क्या, तो आपको हर हर ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम कैंपेन चलाना सिखाएंगे। फेसबुक एड्स टारगेटिंग, फेसबुक एड्स टारगेटिंग, अब आपने राइट ऑडियंस को राइट एड दिखाना है तब आपकी सेल्स होंगी। मीन ऑडियंस आपकी टारगेटेड हो, मतलब कि मैंने आईफोन बेचना है ऑनलाइन, आईफोन 11 समझ लें कि कोई 2.5 लाख रुपए का है, तो आईफोन जो मैंने बेचना है मैं उसी को बेचूंगा जो आईफोन लवर हो, जो पहले से आईफोन यूज करता हो, उसके बाद वो आईफोन को अफोर्ड भी कर सके, फिर एक स्पेसिफिक एज हो, फिर एक स्पेसिफिक जेंडर हो, फिर एक स्पेसिफिक लोकेशन हो, इसको क्या कहते हैं, टारगेटिंग। तो हमने आपको राइट टारगेटिंग करना सिखानी है कि आप एग्जैक्ट उस कस्टमर तक पहुंच सके ऑनलाइन जो ऑफलाइन नहीं पहुंच पाते। समझ आई कि नहीं, मेरे बोलने का फायदा हो रहा है आप सबको या बाकी ऊपर से गुजर रही है? ये जो मार्केटिंग है ना, ये मार्केटिंग में हमने पहले डिजाइनिंग सीखनी है, डिजाइनिंग के बाद हमने फिर मार्केटिंग में आना है, मार्केटिंग के फिर स्टेप्स हैं, इसके फेजेस हैं, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप चलना है। 16 साल की 18 साल की तालीम ले ली, वहां तो हमने जल्दबाजी नहीं की, यहाँ भी हमने नहीं करनी, यहाँ भी हमने सुकून सुकून से चीजों को सीखना है, एब्जॉर्ब करना है, प्रैक्टिस करना है, एक्सपीरियंस होना है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, फिर जाके हम चैंपियन बनेंगे, ऐसा नहीं बन सकते। पब्लिश योर कैंपेन, कम्युनिकेट विद यूजर्स, टर्न फैन इनटू ब्रांड एंबेसडर्स। अच्छा जी, अब हम आगे आ रहे हैं इसमें जनाब, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, टाइप यस, सब यस लिखेंगे तो मैं आगे चलूंगा, आपके डेमोस्ट्रेशन का टाइम खत्म हो चुका है, मैं 3 मिनट वैसे आगे लेके जा रहा हूँ, जल्दी से यस लिखिएगा। ये वो 12 सर्विसेज हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो आपने अपने क्लाइंट को ऑफर करनी है। लाइक आप मेरे पास आए, मैं आपका क्लाइंट हूँ, आपने मुझे सर्विस देनी है मार्केटिंग की, तो आपने कहा इमरान साहब मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, ये 12 सर्विसेज हैं जो मुझे आती हैं, तो आपको मेरे से जो सर्विस चाहिए उसके अगेंस्ट इतने पैसे मैं आपसे चार्ज करूंगा, और ये काम मुझे आती है, तो मैं आपको बड़ा बेहतरीन हायर कर लूंगा। यार ये तो प्रोफेशनल आदमी है, इसको तो सर्विसेज भी आती हैं, इसको तो स्किल्स भी आती हैं, इसने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया हुआ है जनाब। उसके बाद हम आते हैं जी सोशल मीडिया सर्विसेज पैकेजेस, मतलब हमने जो स्किल सीखा वो किस काम का, अगर हम पैसे ना कमा पाए वो स्किल किस काम का, अगर हम उसको कन्वर्ट ना कर पाए किसी फॉर्म में। लाइक आपने PhD कर ली, आप इंटरव्यू के लिए गए और आप इंटरव्यू में फेल हो गए, तो आपको उस PhD का कोई फायदा हुआ उस टाइम? नहीं हुआ होगा, एम आई राइट? जब इंटरव्यू में फेल हो गए तो वो PhD का क्या फायदा हमें? तो भाई मार्केटिंग सीखने का क्या फायदा अगर क्लाइंट ही ना आए, प्रोजेक्ट ही ना मिले, कस्टमर ही ना हो? तो हमने आपको सिखाना है कि कैसे आपने पैकेजेस बनाने हैं अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के, कि जो आप क्लाइंट को बेच सकें, वो कौन से बेस्ट पैकेजेस हैं, प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, कोटेशन कैसे बनाई जाती है, क्लाइंट से बात कैसे की जाती है, क्लाइंट को कन्विंस कैसे किया जाता है, डिटेल में हम सिखाएंगे। ऑर्गेनिक सोशल मार्केटिंग कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर कुछ फेसबुक को पे किए, बगैर कोई एडवर्टाइजमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए, आप फेसबुक के लाइक्स, फेसबुक की रीच, फेसबुक के वीडियो व्यूज और ऑनलाइन सेल्स कैसे उठा सकते हैं। और इसको इग्नोर मत कीजिएगा, फेज 7 को ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन आपके पैसे नहीं लगेंगे, आपको फ्री में सेल्स आएंगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिस्पॉन्स आएगा, आपको सिखाएंगे डिटेल में। फेज 8, आपको डायरेक्ट फेसबुक के पेज से पैसे कमाने हैं, तो रात 11 बजे मेरा डेमो सेशन होगा आज रात फेसबुक इन स्ट्रीम्स को लेके, कि कैसे आप फेसबुक का पेज बनाकर वीडियो अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं, और कैसे फेसबुक का पेज बनाकर एक वेबसाइट बनाकर आप पैसे कमा सकते हैं। आप यूट्यूब को जानते हैं, यूट्यूब पर क्या होता है, आप चैनल बनाते हैं, वीडियोज अपलोड करते हैं, एड दिखाया जाता है और आप पैसे कमाते हैं। सेम वही ऑप्शन फेसबुक ने भी दे दिया है कि आपको डायरेक्ट आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पैसे मिलेंगे, सिर्फ कंटेंट बना बना कर अपलोड करते रहो फेसबुक के पेज पर। ये भी हमने सीखना है लेकिन रात 11 बजे है इसका डेमोस्ट्रेशन। फेज 9, सोशल सेंटिमेंट एनालिसिस, लोगों के एहसास और जज्बात का ख्याल रखना है, कोई कस्टमर आपसे सेटिस्फाई ना हो तो उसको सेटिस्फाई कैसे करना है वो सिखाएंगे। और आखिर में सोशल ऑटोमेशन, कि कैसे आपने लोगों के रिस्पॉन्सेज को मैनेज करना है वो भी हम सीखेंगे। तो जनाब आज का जो कोर्स है
डेमो सेशन वो फिनिश हो चुका है। ये कोर्स स्टूडेंट्स आपके लिए है, जॉब होल्डर्स आपके लिए है, एडवर्टाइजर्स आपके लिए है, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स आपके लिए है, मार्केटिंग एजेंसीज आपके लिए है, बिजनेस ऑनर्स आपके लिए। सीरियस कोर्स है, सेलिंग स्किल है। सेलिंग स्किल से मुराद क्या है कि आपको कुछ भी अब बेचना आता होगा इस कोर्स को सीखने के बाद। शर्त ये है कि आपके अंदर वो लाइक टैक्टिक्स हों बेचने के लिए। ओवर टू मिस अनिला आजम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को अबाउट ट्रेनिंग के गाइड करती चलूं। ये 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1500 पर कोर्स फीस है, जो कि आप इजी पैसा और जैज कैश के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। लाइव ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, फेसबुक ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, जिसका लिंक मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में सेंड कर रही हूँ। काइंडली आप इसे ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करेंगे कि आपने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है कि नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आफ्टर इनरोलमेंट ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, पेड सेशन के लिंक्स दिए जाएंगे ताकि इजीली आप अपनी क्लास को अटेंड कर सके। वहां पर आपको मेंटोर की सपोर्ट दी जाएगी, सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करवाए जाएंगे, इंस्टॉलेशन में जो जो मसले मसाइल आएंगे उन्हें सॉर्ट आउट करवाया जाएगा, लेक्चर में जो जो मसले मसाइल आएंगे उन्हें भी सॉर्ट आउट करवाया जाएगा। आफ्टर ट्रेनिंग आप लोगों को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड प्लान 9 की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आप लोग अगर इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जहां से आज के डेमोस्ट्रेशन का लिंक लिया है, काइंडली वहीं पे कांटेक्ट करें, वो अबाउट एनरोलमेंट आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह 7 नवंबर, यानी कि कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। मिलते हैं पेड सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।